करेंगे, दो बंदा आपकी इंडस्ट्री के बारे में खराब बोलते हैं तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। बट ये व्यक्ति जो मेरे सामने बैठे हुए जो सक्सेसफुल है, उनका पास कितना भी लोग जो भी बोले वो कभी भी डीमोटिवेट नहीं हो सकते, क्योंकि उनका काम सिर्फ मोटिवेशन का ऊपर नहीं है, उनका काम अंडरस्टैंडिंग का ऊपर। सो इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, अगर आप ये करियर बनाना चाहते हो डीएक्सएल में, ये डीएक्सएल को आपका सहारा बनाना चाहते हो फॉर द लॉन्गर ईयर, देन अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अंडरस्टैंडिंग को समझने में यू हैव डिफरेंट डिफरेंट तरीका है, ये तरीका हम बताएंगे हाउ टू अंडरस्टैंड डीएक्सएल थ्रू दिस फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। आज हम बात करेंगे ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी। एज ए डीएक्सएल मेंबर आप लोगों को यह बात समझना बहुत जरूरी है, एक चीज है फाइनेंस और एक चीज है फाइनेंशियल लिटरेसी। आज अगर हम देखेंगे, अमीर लोग अमीर बनता ही जाता है, गरीब लोग गरीब रहता है, ये सब मानते हैं। आप देखते दुनिया में ऐसे ही चलता है, ऐसे देखते गरीब कार रहता है उसका बस और दो कार आता है, तीन कार आता है, चार आता है, जो पैदल में चलता है वो चलते चलते मर जाता है, सही ना। गरीब गरीब ही रहता है, अमीर अमीर ही बनता और अमीर बनना चाहता है। इसका पीछे कारण क्या है? इसका पीछे एक ही कारण है, नॉट इनकम। वो जो पैसा कमाता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका फाइनेंशियल लिटरेसी, ये फाइनेंस के बारे में उसका समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाना कितना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पैसे को आप कैसे हैंडल करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बंदे को देखा, उसने बोला सर मेरा इनकम 5 लाख है, और एक बंदे को मैंने देखा उसने बोला सर मेरा इनकम 25,000 है। अभी बोले इसमें अमीर कौन है और गरीब कौन है, 5 लाख वाला या 25,000 वाला? 5 लाख वाला जो इनकम कमा रहा है ना, उसका महीने का खर्चा 6 लाख है। जो 25,000 जो इनकम कमा रहा है उसका महीने का खर्चा 20,000 है। आप बोलो कौन भाग्य? सो पैसा कमाना इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ये पैसा को हम कैसे हैंडल करते हैं, ये पैसे को हम कैसे मैनेज करते हैं, ये पैसे को हम कहां लगाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट वी कॉल फाइनेंशियल लिटरेसी। हम ये बात करेंगे आज ये फाइनेंशियल लिटरेसी का ऊपर। ये अमीर लोग क्या करते हैं, प्रोफेसर जैसा अमीर लोग पैसे को क्या करते हैं, कहां लगाते हैं? ये अमीर अमीर बनते ही जाते, कैसे बनते जाते? बोर मारने में हम दुकान में जाके सब्जी खरीदते, प्रोफेसर बोर मारे तो जाके जाके घर खरीदते, इतना पैसा कहां से आते, क्या करते हैं वो लोग? सो नाउ लेट अस सी हाउ दिस पीपल स्पेंड द मनी। ये टेक्निक अगर हमें समझ में आ जाएगा, आज आपको समझ में आ जाएगा आप कितना कमाते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कमाने के बाद वो पैसे को आप क्या करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डिसिप्लिन आज थोड़ा भी समझ में आ जाएगा ना, और एक 2 साल में आप अमीर बन सकते हो। ये बंदा क्या करता है, से हाउ द रिच स्पेंड द मनी। पैसा तो सबके पास आता है, किसी को 10,000 आता है, किसी को 20,000 आता है, किसी को 1 लाख आता है, किसी को 2 लाख आता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आने का बाद वो क्या करता है। ये अमीर लोग का एक ही आदत है, जितने भी पैसा आता है दे बाई असेट, क्या करते हैं दे बाई असेट। असेट मीन्स जो चीज आपको और पैसा बना के दे सकता है वैसा चीज को खरीदते हैं। बट ये जो मिडिल मैन है, जो लोग है ना, वो क्या करते हैं, जब भी पैसा आ जाता है देखते हैं बाइक में जा रहा हूं और इंस्टॉलमेंट में एक कार ले लेते हैं, सही है ना, एक क्रेडिट कार्ड 3 क्रेडिट कार्ड बन जाता है। ये लोग पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं है ये बेकार है, ये लोग पैसा कमाते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, 30,000 40,000 50,000 कमाते हैं, बट फिर भी उनका पास ये फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रहता है, बिकॉज उनको पैसा खर्च करने का जो
तरीका है वो गलत तरीका है। ये जो अमीर लोगों का तरीका है वो तरीका अगर हम अपनाएंगे हम तो भी ये अमीर जैसा बनने का एक मौका आपको मिलता है। वेयर वी शुड स्पेंड, वी शुड स्पेंड ऑन असेट। कहां स्पेंड करना है, कहां स्पेंड करना है, असेट, असेट में स्पेंड करना है, बेकार चीज में नहीं। अब नॉर्मल पीपल को देखेंगे ना, सुपरमार्केट में जाएगा बाय वन एंड गेट वन फ्री तो ले लेगा, वो जरूरी है जरूरी नहीं है उनको बाद में ले लेंगे। नाम का गरीब है बगैर वो घर खाली करके दूसरा घर जाता है ना, तीन ट्रक का सामान आता है, वो तीन ट्रक में दो ट्रक का सामान बेकार है। वो दो ट्रक का सामान किसने लिया, किसने लिया, फ्री में मिला, फ्री में नहीं मिला, पैसा डाल के लिया, वो कहां खर्च किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो गरीब गरीबी रहने का यही मतलब ये है कि स्पेंड द मनी ये रॉन्ग वे, गलत जगह में पैसे को खर्च करना। सो अमीर का सोच ले आना है वी शुड थिंक एक असेट हम कैसे क्रिएट करेंगे। असेट का मतलब क्या है, असेट मीन्स यू टॉक अबाउट स्टॉक, यू टॉक अबाउट बॉन्ड, यू टॉक अबाउट रियल एस्टेट, यू टॉक अबाउट एजुकेशन, एजुकेशन इज एन असेट। यू अग्री विद मी? आज जो हम यहां पे पैसा लेके आ रहे हैं ना, कितना फ्री, कितना एंट्री फीस था इसका, फ्री था, फ्री था। ये जो एजुकेशन आज तुम फ्री मिल रहा है आपको, ये आपके लिए एक असर है। जो भी आपका वैल्यू को बढ़ाता है, जो भी आपका नॉलेज को बढ़ाता है, वो आपके लिए एक असर है, दैट इज एन असर। सो नाउ लेट अस सी फर्दर नेक्स्ट। एनीथिंग विच अर्न्स मनी, असर का मतलब क्या है, मैं यहां पे थोड़ा क्लियर कर रहा हूं। जो भी चीज आपको पैसा कमा के देता है उसे हम बोलते हैं असर। फॉर्म्स ऑफ असेट, स्टॉक बनता है, बॉन्ड बनता है, फिक्स्ड प्रॉपर्टी बनता है, और कोई सिस्टम ऐसा है जो आपके लिए पैसा कमा के दे सकता है, एक सिस्टम। आज दुनिया का बड़ा ट्रैवल, जो कार का जो ट्रैवल कंपनी है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, ओला और यूबर, ये दो है ना। पहले अगर ट्रैवल कंपनी शुरू करना है एटलीस्ट 6 करोड़ 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिकॉज उतना गाड़ी लेकर ही वो ट्रैवल कंपनी शुरू करता। आज ओला या उबर अगर उसका नाम में देखेंगे, एक भी गाड़ी ओला का या उबर का नहीं है, यू अग्री? यस। उसका बस क्या है, सिस्टम। सिस्टम एक असर है। वो इतना बड़ा गाड़ी का ट्रैवल चलाता है विदाउट एक भी गाड़ी उसका नाम में नहीं। आपने ओयो, ओयो रूम्स नाम सुना है, पूरा होटल चेन, इतना बड़ा होटल है बट उसका नाम में खुद का एक भी होटल नहीं। ये सिस्टम चला। सो सिस्टम इज एन असेट। सो नाउ लेट अस सी नेक्स्ट व्हाट आई एम डूइंग इन डीएक्सएल। जो डीएक्सएल में हम काम कर रहे हैं, डीएक्सएल मेरे लिए असेट नहीं या लायबिलिटी? असेट या लायबिलिटी? असेट क्यों है? असेट का मतलब समझो, असेट का मतलब ये है आपको पैसा कमाकर जो चीज देता है उसका नाम है असेट। जब आप काम करेंगे फिर भी वो पैसा कमा के देना चाहिए, अगर आप उसके ऊपर काम नहीं भी करेंगे फिर भी वो आपके लिए पैसा कमाकर देना चाहिए, दिस इज कॉल्ड असर। जैसा मैंने एक दो बिल्डिंग को किराए में दे दिया, मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, किराया आएगा या नहीं आएगा, वो मेरे लिए असर है। अभी डीएक्शन आपके लिए असर है। अगर डीएक्शन आज आप करना बंद कर देंगे तो आपको डीएक्शन से इनकम आता ही रहेगा? डीएक्शन असर या डीएक्शन मेरे लिए असर नहीं है, ये डीएक्शन का हाथ में नहीं है, ये मेरा हाथ में है।
आज प्रोफेसर डीएक्सएल करना बंद कर देंगे, घर में बैठेंगे, हनीमून के लिए कहीं चले जाएंगे, फिर भी उनके लिए इनकम आता ही रहेगा, बिकॉज डीएक्सएल उनके लिए असल। बट कुछ लोगों के लिए डीएक्सएल सर जो डीएक्सएल चलाना पड़ता है, अगर डीएक्सएल आप चलाते हो तो डीएक्सएल आपके लिए असल नहीं है। डीएक्सएल आपके लिए चल रहा है तो डीएक्सएल आपके लिए असल है। तो फर्क इतना ही है, क्या मैं चलाता हूं या डीएक्सएल चल रहा है। अगर आप चलाते हो तो असल भूल जाओ, आप अमीर लोगों की रस्ते में नहीं हो। बट आपका पास टाइम है, हमारे पास समय है, आज भी हम डीएक्सएल का गाड़ी को मोड़कर ये रास्ते में ले जा सकते हैं जहां डीएक्सएल खुद ब खुद चल सकता है और हमारे लिए असल बन सकता है। ऐसा असल आपको चाहिए? यस। इसके लिए क्या करना है? लेट अस सी नेक्स्ट। इसके लिए यहां पे दो चीज है, नंबर वन डूइंग डीएक्सएल और एक चीज क्या है, बिल्डिंग डीएक्सएल। अगर डूइंग डीएक्सएल डीएक्सएल आप चलाते हो, बिल्डिंग डीएक्सएल डीएक्सएल आपके लिए चल रहा है, इसका फर्क क्या है? डूइंग डीएक्सएल और बिल्डिंग डीएक्सएल, हर एक काम आप डीएक्सएल का साथ जुड़ा हुआ है। से फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे पर्सनल बी, ये जो पर्सनल बी आप जो कर रहे हैं ना, ये आप कैसे कर रहे हैं? अगर ये ऑटोमेटिक चलता है तो डीएक्सएल आपके लिए असल है। बट पर्सनल बीवी करने में आज भी आपका मेहनत लगता है तो डीएक्सएल आपके लिए असल नहीं। तो अगर थोड़ा आप देखिए आपका पर्सनल बीवी कैसा हो रहा है, आपका पर्सनल बीवी कैसा हो रहा है? सर मेरा पर्सनल बीवी मेरा पॉकेट से मैं पैसा देके खरीदता हूं। कहां से खरीदता हूं? मेरा पॉकेट से पैसा देके खरीदता हूं। ये आपके लिए असल बन गया? ये क्या आप डीएक्सएल कर रहे हैं, यू आर डूइंग डीएक्सएल। बट इसे हम क्या करना है, ये सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहिए। सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करना चाहिए? पर्सनल बीवी ऑटोमेटिक आपको होना चाहिए। ये कैसा होगा? तब होगा व्हेन यू क्रिएट कंस्यूमर। आपने एक बंदा को समझा के टूथपेस्ट के बारे में समझा, देन ही बिकम ए टूथपेस्ट कंस्यूमर, ही बिकम ए सोप कंस्यूमर, ही बिकम ए कॉफी कंस्यूमर, ही बिकम ए चाय कंस्यूमर, ही बिकम ए स्पाइरोलिना कंस्यूमर। हर एक प्रोडक्ट का 10-10 कंस्यूमर धीरे 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 आप क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद आप दुबई चला जाएंगे, ये जो कंस्यूमर आपने क्रिएट किया ये आपका सब दुबई जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो वो क्या करेगा, हर महीना प्रोडक्ट आपका मेंबरशिप नंबर में लिएगा। अगर आप इंडिया में रहेंगे फिर भी आपका पर्सनल पीवी जाएगा, अदरवाइज ये लोग आपका पर्सनल पीवी को चलाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? पर्सनल पीवी करना और पर्सनल पीवी चलाना, अगर पर्सनल पीवी करते रहेंगे ये ऐसा काम जैसा हो जाएगा, महीने में आपको पैसा मिलता है, ये बिकम एन एक्टिव इनकम। जितना दिन हम करेंगे उतना दिन पैसा, हम नहीं करेंगे तब पैसा। डीएक्सएल हम इसलिए नहीं आए, डीएक्सएल हम इसलिए आए ऐसा एक सिस्टम रेडी करना है जो बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन रहेगा मुझे पता नहीं, मेरा बेटा या मेरा बेटी या मेरा बीवी, मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, कौन मेरा सहारा रहेगा मुझे पता नहीं। बट ऐसा एक सिस्टम मैं खड़ा करूंगा, डीएक्सएल मेरे बुढ़ापे में मेरा साथ रहेगा। डीएक्सएल मेरा जिंदगी का साथ रहेगा और मेरा जिंदगी का बाद भी रहेगा डीएक्सएल, ऐसा एक सिस्टम खड़ा करना चाहिए। तो डीएक्सएल में आपका पर्सनल पीवी कितना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका पर्सनल पीवी कैसा आता है वो इंपॉर्टेंट है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? आज टाइम है आपका गाड़ी को मोड़ने का,
डी एक्सल को क्या बनाना है, डी एक्सल शुड बी योर असल। ये असल बनाने के लिए मैक्सिमम 3 साल काफी है। कितना साल? 3 साल काफी है। ये असल मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा बट बीपी ये 1.5 लाख से 2 लाख इनकम आपको ले आकर दे सकता है परमानेंटली। सिर्फ 3 साल आप ये सिस्टम का ऊपर काम करें। सो देन ही बिकम ए सिस्टम फॉर यू। हर जो चीज आप जो कर रहे हो डीएक्सएल में इसका एक सिस्टम रेडी करना जरूरी है। हर एक चीज आप जो डीएक्सएल में कर रहे हो आपका पीछे दिमाग में एक पॉइंट चलना ही चाहिए। 3 साल का बाद मैं नहीं करूंगा पर फिर भी ये जो बंदा मैं आज में रिक्रूट कर रहा हूं वो मेरा बिजनेस को खड़ा करेगा, इतना उसे हम मजबूत करना चाहिए। आपका दिमाग का पीछे एक ही पॉइंट होना चाहिए, 3 साल का बाद मैं रिटायरमेंट होना चाहता हूं। तो आपका हर एक काम उसकी तरफ जाएगा। देन यू स्टार्ट बिल्ड डीएक्सएल। आप डीएक्सएल को बनाना शुरू करेंगे, सिर्फ डीएक्सएल को करना छोड़ देंगे। थैंक यू। सिर्फ डीएक्सएल करेंगे ये इतनी बड़ी बात नहीं है बट डीएक्सएल को हमको बनाना है। वी शुड बिल्ड डीएक्सएल सो डीएक्सएल कैन बिकम आवर असेट। सो नेक्स्ट स्लाइड। So you should build an asset like this. ये है आपका डीएक्सएल का सिस्टम, ये है आपका डीएक्सएल का बिजनेस। सुनामी आए जो भी आए ये बिजनेस कुछ नहीं हो सकता है बिकॉज इट कंटेन्स अ रॉक सॉलिड फाउंडेशन। सो लर्न टू द बेसिक ऑफ द कंपनी। इसे क्या करना है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट गो बैक टू द बेसिक्स। बेसिक का ऊपर ही काम है। डीएक्सएल में बेसिक छोड़कर दूसरा काम ही नहीं है। ऑलवेज मैं बोलता हूं डीएक्सएल का काम सिर्फ 3 स्टेप में है। ये 3 स्टेप समझ में आता है डीएक्सएल समझ में आता है। ये 3 स्टेप समझ में नहीं आता है तो डीएक्सएल आपके लिए असल नहीं बन सकता। तो क्या स्टेप है, लेट अस सी वन बाय वन। फर्स्ट थिंग फर्स्ट बिफोर हम 3 स्टेप का अंदर जाने के पहले ऑर्गेनाइज योर बिजनेस। डीएक्सएल आपके लिए क्या है, डीएक्सएल आपके लिए क्या है, एक बिजनेस है। आज कोरोना आज जो आके गया ना वो एक जबरदस्त मैसेज छोड़कर गया। क्या मैसेज छोड़ के गया? नंबर 1 जिंदगी में बचना है तो शरीर का अंदर इम्यूनिटी चाहिए, अदरवाइज कोरोना या डरोना आपको लेकर चला जाएगा। सही है ना, शरीर का इम्यूनिटी। और सेकेंड और एक स्ट्रांग मैसेज छोड़कर गया है वो है अगर आपका पास सिर्फ एक ही इनकम है तो आप कभी भी बर्बाद हो सकते हो। सही है गलत? कितना इंडस्ट्री मेरा सामने आज डूब गया है बिकॉज उनका पास एक ही एक इनकम कमाने का रास्ता था। आज हमारे पास कुछ ना कुछ रास्ता है इनकम कमाने के लिए बट वी शुड नॉट हैप्पी दैट मेरा पास इनकम कमाने के लिए रास्ता है। तो आपको ये करना बहुत जरूरी है, एक सेकेंडरी इनकम एक पैसिव इनकम करने का रास्ता आज हमको कराना है बिकॉज एक 3 साल 4 साल का बाद कौन सा कोरोना आएगा क्या आएगा किसी को पता नहीं है। जब समय है सेकेंडरी इनकम करना ये एक चॉइस नहीं है, एक मैंडेटरी हो जाएगा सेकेंडरी इनकम। बिकॉज आज मैं यहां से मैं चेन्नई जा रहा हूं कार में, अगर मेरा एक टायर पंचर हो जाता है तो मेरा कार फट जाएगा या चलेगा, रुक जाएगा। बट मेरा पास एक स्टेपनी रहेगा तो मैं स्टेपनी डालकर मेरा गाड़ी को चला सकता हूं। मेरा पास एक इनकम है फॉर एनी रीजन, अगर ये इनकम स्टॉप हो जाएगा मेरा पूरा लाइफ स्टॉप हो जाएगा। अगर मेरे पास एक सेकेंडरी इनकम रहेगा, अगर ये इनकम स्टॉप भी हो जाएगा ये सेकेंडरी इनकम मेरा लाइफ को चलाएगा। और ये सेकेंडरी इनकम तो इसीलिए जो भी आप काम करते हो, जो भी आप बिजनेस करते हो, जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप घर में रहते हो, जो भी आप करते हो करो, कंटिन्यू करो। उसका साथ साथ जो टाइम हम बर्बाद करते हैं टीवी का सामने, बर्बाद करते हैं यूट्यूब में, बर्बाद करते हैं मोबाइल में, वो टाइम को लगाओ सेकेंडरी इनकम शुरू कर दें। पर मुझे पता नहीं है क्या क्या रास्ता है आपके पास सेकेंडरी इनकम शुरू करने। शायद आपके पास क्या
उसमें आपको किराया आता ही रहेगा, पर उतना ताकत किसका पास है? सही है ना? अगर उतना ताकत नहीं है तो डीएक्शन को करना छोड़ो, डीएक्शन को बनाना शुरू करो। ये हमारे लिए असर है, डीएक्शन हमारे लिए असर बनना चाहिए, सिर्फ एक इनकम का जरिया नहीं। 10,000, 20,000, 40,000 तो सब कुछ कमा सकते हैं, मैं भी कमा सकता हूं, दुनिया में सब लोग कमा सकते हैं नॉर्मल इनकम, बट अगर पैसिव इनकम कमाना है तो डीएक्शन को एक असर की तरफ मोड़ना बहुत जरूरी है। So these are all the books which we recommend you to buy. We will share you in the WhatsApp. Next. Back to the basic. Next. मैंने बोला ना तीन स्टेप, I always tell this तीन स्टेप, without this तीन स्टेप मेरा सेमिनार नहीं है। Number one, be a good consumer. Consumer. ये DXN business मेरा business है। अगर मैं Colgate toothpaste का factory का मालिक हूं तो मेरा घर में Pepsodent रहेगा तो कैसा रहेगा? मर्सिडीज गाड़ी का मालिक मैं हूं, वो फैक्ट्री का मालिक मैं हूं, पर मैं मारुति में जा रहा हूं तो कैसा रहेगा? लोग मानेंगे मेरे घर में? नहीं मानेंगे ना। पहला चीज, बी ए गुड कंस्यूमर। जो भी डीएक्शन आपके सामने है, आज तो आजकल तो हर घर घर का प्रोडक्ट अभी डीएक्शन का साथ आने वाला। लास्ट तो हमने पुणे में एक सैंपल मुझे मिला था अगरबत्ती का, अगरबत्ती भी डीएक्शन में लॉन्च होने वाला है। और मच्छर, मच्छर का बना मस्किटो कॉइल, मस्किटो कॉइल डीएक्शन में आने वाला है। सुपरमार्केट में जितने भी प्रोडक्ट देखते हो उतने प्रोडक्ट आने वाले कल में आप डीएक्शन में देखोगे। सो यहां पे जितने भी प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट यूज करना शुरू करो, बट प्रैक्टिकली शुरू करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं हर एक प्रोडक्ट आपको यूज करना ही चाहिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं जो प्रोडक्ट लेने की ताकत आप रखते हो जरूर वो प्रोडक्ट डीएक्शन से यूज करना शुरू करो। नंबर वन पॉइंट, बी ए गुड कंस्यूमर। जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो वो प्रोडक्ट विदाउट यूज किया बिना वो प्रोडक्ट को कभी भी प्रमोट मत करना। सही है ना? बिकॉज मैं बोल रहा हूं ये टूथपेस्ट यूज करो, टूथपेस्ट यूज करो, बंदा पूछेगा टूथपेस्ट का कलर क्या है, कलर पता नहीं, अच्छा है यूज करो। कहां जाएगा आपका प्रोडक्ट? दिखेगा नहीं दिखेगा। इसीलिए इसीलिए प्रोडक्ट को यूज करना, जो प्रोडक्ट आप प्रमोट करना चाहते हो वो प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करो।